सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल द स्पीड स्टडी में। मैं एक बार फिर आपके साथ आपका मित्र अनुराग शुक्ला जुड़ रहा हूँ। आप सबसे एक विनम्र निवेदन है कि लॉकडाउन की स्थिति बरकरार है, कोरोना महामारी हमारे आपके बीच तेजी से फैल रही है, तो आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें और हमारे YouTube चैनल से जुड़ें, जहां पर आपको अध्ययन के साथ साथ नए नए मौके दिए जाते हैं। अनुराग सर ने शाम को 7 बजे से क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जिसमें प्रतिदिन अनेकों क्वेश्चन वो सॉल्व कराते हैं और उसमें आपको मौका देते हैं कि आप उत्तर दें और हजारों आकर्षक इनाम, चाहे वो नगद कैश हो या कोई अच्छा सा उपहार प्राप्त करें। तो आइए, हम लोग कहानी पढ़ रहे थे प्रारब्ध के बारे में। प्रारब्ध के बारे में हमने पहली कहानी की कड़ी में काफी चीज पढ़ा, उसके बाद आइए हम लोग दूसरी कड़ी में देखते हैं कि प्रारब्ध की स्थिति क्या रही है और वह किस प्रकार से समायोजन करने की स्थिति में आ पाया है कि नहीं आ पाया। ऐसी स्थिति में हम लोग सबसे पहले कुछ पुरानी बातों को याद करेंगे, उसके बाद नए सिरे से प्रारब्ध के जो बचे हुए कड़ी हैं उनको पूर्ण करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रारब्ध। प्रारब्ध नाम का एक बालक था, उसे अनेक प्रकार की प्रताड़नाएं, मैंने आपको जैसे बताया था, विद्यालय में परिवार वालों ने उसे स्वलीनता का रोगी करार दे दिया था। वह अंदर से अंदर घुटा जा रहा था, वह समाज में समायोजन नहीं कर पा रहा था। विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा, घर में परिवार के द्वारा, समाज के लोगों के द्वारा उसको अनेक प्रकार की ऊंची नीची बात कहे जाने पर वह शांत रहने लगा और न किसी से बात करता, न समायोजन करता। वह अकेले कमरे में या अकेले किसी जगह पर बैठा रहता। घर वाले भी उसको किसी न किसी कारणवश डांटते रहते और वह चारों तरफ से संकटों से उसका मन घिर चुका था और वह अपने आप को एकदम असहाय समझने लगा था। ऐसा देखकर उसकी माँ को काफी चिंता हुई, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है सबसे अच्छी और सबसे पहली गुरु बालक की माँ होती है। तो उसके माँ ने उसके भाव को समझा और उसने कहा कि मैं किसी न किसी माध्यम से, चाहे मुझे जो करना पड़े, मैं अपने बालक को इस मानसिक कुष्ठता से, इस मानसिक भय से, इस मानसिक चिंतन से दूर जरूर कर निकाल के रखूंगी। इसीलिए माँ के दिमाग में एक बात आई, माँ ने बालक को अभिप्रेरित करना प्रारंभ कर दिया। अर्थात किसी भी व्यक्ति को परिवर्तन करने के लिए, किसी भी व्यक्ति को सद्मार्ग पर लाने के लिए, किसी भी व्यक्ति को अच्छे कामों में संलग्न करने के लिए, किसी भी व्यक्ति को मानसिक रूप से तेज बनाने के लिए, किसी भी बालक को अपने कार्य के प्रति लगन उत्पन्न करने के लिए अभिप्रेरणा जो होती है वो सबसे अधिक आवश्यकता होती है। माँ ने उसे बताया, माँ ने उसे कई कहानी के माध्यम से, माँ ने उसे कई प्रेरक प्रसंगों के माध्यम से, माँ ने उसे बताया, ध्रुव की कहानी सुनाई, प्रहलाद की कहानी सुनाई, अनेक, उसने बताया कि अगर गांधी जी अकेले न चले होते तो आज हमें आजादी न मिली होती। अगर उसने बताया कि ध्रुव प्रहलाद की कहानी सुनाई, कितना परिवार वालों के दबाव के, समाज के दबाव के बाद भी उसने ईश्वर का ध्यान किया, ईश्वर और जाकर के वह अमर हो गया। माँ ने उसे बताया भगत सिंह के बारे में, माँ ने उसे बताया विवेकानंद के बारे में, माँ ने उसे बताया चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, कि जो एक साधारण सा व्यक्ति, साधारण गरीब परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति, लेकिन उसने मन में ठाना और पूरे भारत पर, पूरे अखंड भारत पर उसने राज्य किया। तो जो सबसे बड़ी बात होती है व्यक्ति को परिवर्तन, बालक के अंदर परिवर्तन लाने के लिए, वो अभिप्रेरित करना होती है। माँ ने उसे कैसे अभिप्रेरित किया, हम कड़ी के माध्यम से समझते हुए चलेंगे। माँ ने उसे मानसिक भय चिंता से मुक्त करना बताया। माँ ने उसे बताया कि बेटा, जो भी समाज के लोग हैं, जो भी विद्यालय के लोग हैं, चूते जो भी कुछ कहें, तुम उसे बिल्कुल भी मत सुनो। अगर तुम कुछ बन जाओगे, तुम कुछ कर दिखाओगे, तो यही समाज के लोग, यही विद्यालय के लोग, यही मित्र तुम्हारे आगे पीछे आकर घूमेंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ा चिंतन करना पड़ेगा, और जो चिंतन करना पड़ेगा वो अच्छी दिशा में करना पड़ेगा, ना कि बुरी दिशा में, क्योंकि बुरी दिशा की बात में चिंतन करेंगे तो फिर से मानसिक भय, मानसिक तनाव से ग्रसित हो जाएंगे। इसीलिए माँ ने उसे सकारात्मक भाव में चिंतन करना सिखाया। उसके बाद माँ ने उसे बताया, माँ ने उसे तीसरी बात बताई कि प्रतिभाशाली होने का आभास कराया। माँ ने उसे बताया कि हे बेटा, तुम जो भी ये गलत काम में अपना मन लगाते हो, अच्छे काम में यदि अपना मन लगाओ तो तुम खुद प्रतिभाशाली हो, तुम वो हर काम कर सकते हो
जो कोई नहीं कर सकता, उसके अंदर एक भाव का विकास किया, एक भावना का जागृत किया कि तुम उठो, आगे बढ़ो, न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी, बिना जो किसी के जगाए जुगा है, अंधेरा उसे देखकर ही भगा है। ऐसे भाव का उद्गम माँ ने उस बालक के अंदर प्रभावित किया और उसके प्रतिभा को, उसके अंदर होने वाले अनेक महत्वपूर्ण बदलाव को माँ ने उसके सामने लाया कि बेटा तुम अगर ऐसा कर सकते हो, अगर तुम ऐसा करोगे तो सदैव सफलता की ओर अग्रसित होगे। फिर माँ ने उसे अगली बात बताया, उच्च चिंतन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जवाब। माँ ने उसे बताया कि तुम चिंतन करो, लेकिन जो चिंतन है वो सही दिशा में हो। चिंतन करने के लिए सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने चाहिए, चिंतन करने के लिए सबसे पहले विषय होना चाहिए। तो माँ ने उसे अनेक प्रकार के सकारात्मक विषय समझाना प्रारंभ किया और उस पर उसे चिंतन करने के लिए कहा, उसे उसे व्याख्यान लेने लगी, उसके बारे में वार्तालाप करने लगी, उसी के बारे में कहानी के द्वारा प्रश्नोत्तर करने लगी, अर्थात सकारात्मक भाव के प्रति चिंतन करना माने बालक से प्रारंभ करवा दिया। इसी के कारण उसकी जो मानसिक बुद्धिलब्धता थी धीरे धीरे बढ़ने लगी। जिस अध्यापक ने उसे बताया था कि इसकी बुद्धिलब्धि अत्यधिक स्तर से कम है, लेकिन उसकी बुद्धिलब्धि चिंतन के माध्यम से उसकी बुद्धिलब्धिता धीरे धीरे बढ़ने लगी। और उसके बाद अगला देखते हैं, चिंतन की प्रेरणा दी और समस्या। जो समस्या माने दी, सकारात्मक समस्या दी, जब सकारात्मक समस्या दी तो उसने चिंतन दिया, जो चिंतन का परिणाम आया वो परिणाम कैसा आया, सकारात्मक आया। क्योंकि जिस दिशा में हम कदम रखेंगे, अगर पेड़ आम का लगाएंगे तो वो फल आम का देगा, अगर बबूल का वृक्ष लगाएंगे तो वो सदैव कांटे ही देगा, चाहे उसमें हम जितना खाद डालें, चाहे जितना पानी डालें, चाहे जितने अनेक प्रकार की सेवा करें, लेकिन बबूल का वृक्ष कभी आम उत्पन्न नहीं कर सकता। उसके बाद गेस्टाल्टवादियों का सूझ का सिद्धांत। बालक धीरे धीरे रास्ते पे आ गया और गेस्टाल्टवादियों ने जो सूझ का सिद्धांत दिया, अर्थात किसी भी चीज को सोच समझ कर उस पर चिंतन कर कर अपने पथ को प्राप्त करना, अर्थात जो गेस्टाल्टवादियों का सूझ का सिद्धांत था वो बालक प्रारब्ध ने अपने जीवन में अपना लिया और उस पर चिंतन और कार्य करना प्रारंभ कर दिया। माँ के अंदर एक और ऊर्जा उत्पन्न हुई कि मेरे सकारात्मक कार्यों का प्रभाव हमारे बालक के ऊपर पड़ रहा है। अगली बात देखें, आंतरिक रूप से मोटिवेट हो गया। अर्थात प्यारे भाइयों, मैं डेली क्लास में आता हूं, अनुराग सर शाम को दिन में 2-3 क्लास लेते हैं, वो आपको काफी मोटिवेशन करते रहते हैं, राजेश सर आपको मोटिवेट करते हैं, ऋचा मैम आपको मोटिवेट करते हैं, निखिल सर आपको बीच बीच में पढ़ाने से पहले मोटिवेट करते रहते हैं, लेकिन मैं जब पढ़ाऊंगा तब आपको मोटिवेट करूंगा, उस समय आपके अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होगी कि मैं हाँ मैं इस काम को करूंगा। क्योंकि जब किसी भी चीज का परीक्षा हम देते हैं और रिजल्ट आता है और हम उसमें उत्तीर्ण नहीं होते और हमारे मित्र उत्तीर्ण हो जाते हैं, तो हमारे अंदर उस समय एक अनेक अच्छी सी ऊर्जा उत्पन्न होती है कि अगले बार इसको हम कर रहेंगे, लेकिन वो क्षणिक होती है। क्षणिक क्यों होती है, क्योंकि आंतरिक रूप से हम लोग मोटिवेट नहीं होते, किसी को देख के मोटिवेट होते हैं और वो मोटिवेशन क्या है, क्षणिक मात्र होता है। लेकिन अगर भाव हमारे अंदर से मोटिवेट, अगर हम अंदर से चाह लें कि नहीं हमें करना है, तो हम किसी भी काम को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, हमें लक्ष्य प्राप्त करने में तनिक भी कठिनाई नहीं होगी। अर्थात हमें अपने आप को आंतरिक रूप से मोटिवेट अभिप्रेरित करना होगा, तभी हम सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। अगला क्या है, अंक लाने की, जो विशेष आजकल हमारे अध्ययन प्रणाली में होती है, रिजल्ट आता है, अंक के माध्यम से विद्यार्थियों के ऊपर अनेक प्रकार के दबाव बनाए जाते हैं। विद्यार्थियों हमें ये देखना है कि हमने ज्ञान कहां तक प्राप्त किया है, हमें चिंतन शक्ति हमारी कितनी हुई है, हमें ये कभी नहीं देखना चाहिए कि हमारी अंक कितने आए, कभी अंक कम आ जाते हैं, कभी अंक ज्यादा आ जाते हैं, लेकिन जो ज्ञान है, जो व्यवहारिक ज्ञान है, जो सैद्धांतिक ज्ञान है, वो हमारे अंदर हमेशा प्रज्वलित रहेगा और वह धीरे धीरे प्रोग्रेस करता रहेगा। और प्रारब्ध जो मानसिक न्यूनता से ग्रसित था, जो अनेक प्रकार की गलत रास्तों में जा रहा था, जो अनेक प्रकार के समस्याओं से ग्रसित था, आज अधिप्रेरणा के माध्यम से मानसिक भय चिंता से मुक्त होने के कारण, प्रतिभाशाली का आभास कराने के कारण, उच्च चिंतन वास्तविक प्रश्नों का जवाब देने के कारण, चिंतन की प्रेरणा और समस्याओं का समाधान करने के कारण, गेस्टाल्टवादियों के सिद्धांत के अनुरूप कार्य करने के कारण, आंतरिक रूप से अपने आप को मोटिवेट करने के बाद, यही प्रारब्ध जो जिसे समाज मूर्ख कहता था, जिसे समाज स्वलीनता का रोगी कहता था, जिसे बुद्धिलब्धिता अध्यापक कम बताते थे, आज वही
अच्छे अंक लाने लगा, कक्षा में उसका अलग से स्थान आने लगा और अध्यापक के लिए वह एक प्रेरणादायी बालक बन गया। तो अर्थात जो हमें इस कहानी से दो पार्ट में जो मैंने आपको कहानी बताई उसे, ये केवल कहानी नहीं है, हर कहानी की हर एक लाइन में एक प्रश्न छुपा है और उसका उत्तर छुपा है। और मैंने आपको वादा किया है कि अगर आपने दोनों पार्ट की कहानी अच्छे से पढ़ ली तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं टेट सीटेट में आप 5 नंबर, पूरे पूरे 5 नंबर अचीव आसानी से कर सकते हैं। तो इसीलिए इस कहानी के माध्यम से आप लोग सोचते होंगे कि कुछ लोग हैं जो परीक्षा नजदीक आने लगती है तो वो बड़ी चिंतित से हो जाते हैं, अपने आप को बहुत, किसी से बात नहीं करेंगे, खाना नहीं खाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं करना, एकदम खुश होके आसानी से कहानी के माध्यम से मैं अनुराग सर आपके लिए ऐसी ऐसी क्लास लेके आऊंगा कि बिना चिंतन किए हुए, बिना कुछ किए हुए आपकी क्लास भी तैयार हो जाएगी और कहानी के माध्यम से आपको मनोरंजन भी मिलेगा। तो आइए हम लोग आज की जो कहानी थी इसमें जो प्रमुख प्रश्न थे उस पर चिंतन करते हैं। पहली कहानी की जो टुकड़ी थी उसमें मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए थे। इस कहानी की हर लाइन में क्वेश्चन और आंसर छुपा है, लेकिन जो प्रमुख क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन है, मैं उसे आपको करा देता हूं। लेकिन जब आप कहानी सुनेंगे तो पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे और एक एक लाइन को नोट करते हुए चलेंगे। तो आइए देखते हैं कि प्रारब्ध के साथ कौन सी घटना है और उसमें कौन से प्रश्न और उत्तर निकल के आते हैं। सशक्त अभिप्रेरणा का प्रभावशाली घटक क्या है? सशक्त अभिप्रेरणा अर्थात अभिप्रेरणा से हमें क्या प्राप्त होता है? अगर हम अभिप्रेरित होते रहेंगे तो हम किसी भी चीज को शीघ्रता से सीख लेंगे, क्योंकि अभिप्रेरणा सीखने का एक सरल साधन है। उसके माध्यम से, मोटिवेशन के माध्यम से हमारा मन किसी भी काम में अधिक से अधिक लगेगा और हम किसी भी काम को आसानी से सीख लेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? अभिप्रेरणा वर्णित होती है, अर्थात अभिप्रेरणा जो है हमारे अंदर क्या जागृत करती है, अभिप्रेरणा से हमारे अंदर किस प्रकार का बदलाव होता है? तो हम अभिप्रेरणा से हमारे भावात्मक रूप में परिवर्तन होता है, हमारे जो भाव है नकारात्मक दृष्टि में होते हैं। अगर सही अभिप्रेरणा मिल गई तो वही जो हमारे भाव है वो सकारात्मक पक्ष की ओर बढ़ जाएंगे और काम को तेजी से करेंगे और सकारात्मकता की ओर अग्रसित होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है, क्योंकि देखिए हर अनेक प्रकार के विज्ञान में वैज्ञानिक हुए, मनोविज्ञान में अनेक प्रकार के मनोवैज्ञानिक हुए, और जो स्किनर थे उन्होंने बताया कि जो अभिप्रेरणा है वो सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है, क्योंकि उन्होंने बताया कि अभिप्रेरणा के माध्यम से आदमी किसी भी चीज को बहुत आसानी से और अच्छे से और अधिक समय के लिए सीख सकता है। इसीलिए उन्होंने अभिप्रेरणा को क्या बताया? राजमार्ग, सर्वोत्तम राजमार्ग। ये लाइन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। ये किसने कहा? स्किनर ने कहा। मानव को क्या समायोजन में बढ़ावा देता है? मानव को समायोजन में क्या बढ़ावा देता है? अर्थात चिंतन मुक्त। यदि हम समायोजन किसी भी काम को अच्छे से समायोजित रूप से करेंगे तो हमारी जो मानसिक चिंता है, जो मानसिक अनेक प्रकार की दोष है, जो मानसिक अनेक प्रकार की समस्याएं से व्यक्ति जूझता रहता है, उससे वह मुक्त हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज आपने कहानी सुनी प्रारब्ध के बारे में। प्रारब्ध जो कि एक मानसिक रूप से बीमार बालक था, वह उसने अभिप्रेरणा के माध्यम से कैसे उसने अपने जीवन को परिवर्तित किया, आज हम सबने ये जाना। और एक बार मैं पुनः आप सबका स्वागत वंदन अभिनंदन करना चाहता हूँ। और एक जो प्रमुख सूचना है कि हमारे चैनल पे अनुराग सर आपके लिए शाम को 7 बजे से क्विज का आयोजन करते हैं, जिसमें लकी ड्रॉ होता है और लकी ड्रॉ को हम जो कैश इनाम होता है उनको पेटीएम के माध्यम से भेजते हैं और जो आकर्षक इनाम होता है हम उसको एड्रेस पे उनके भेजते हैं। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और उस क्विज से जुड़े और आकर्षक इनाम जीते। नमस्कार।